स्टाफिंग खत्म हो गया, अब बात करते हैं डायरेक्टिंग की। दुकान में लगा लो ईयरफोन और शुरू करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्ट करना और कम्युनिकेट करना अपनी बात को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कहलाते हैं। देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन ज्यादा कुछ नहीं आपके कोर्स में, बस इतना ही मतलब समझ लो कि सुपर मतलब ऊपर और विजन मतलब देखना, यानी कि ऊपर से देखना। अगर अगले के बारे में बात करते हैं जो कि है मोटिवेशन, तो मोटिवेशन बेसिकली तीन एलिमेंट से मिलकर बनता है। मोटिव होना चाहिए आपको, मोटिवेटर होना चाहिए जो मोटिवेट करे, और क्या करेगा वो? मोटिवेशन करेगा। तो अगर मोटिवेशन के बारे में बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। हर बंदा किसी और चीज से मोटिवेट होता है। मोटिवेट होकर आप गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की तरफ जाते हो, मोटिवेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। थप्पड़ मार के भी समझाया जाता है और प्यार से भी समझाया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और लगातार करने वाला, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मोटिवेशन करने के लिए आप दो तीन तरीके के इंसेंटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसे देके काम, पे एंड अलाउंसेंस के थ्रू, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपने पैसा दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग दे दी, बोनस दे दिया, स्टॉक ऑप्शन दे दिया, को पार्टनरशिप दे दी, या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू भी आप काम कर सकते हो, जहां पर आप पैसे नहीं दे रहे हो, बस उनको थोड़ा सा एप्रिसिएशन दे रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बेहतर कर दिया, आप रिकॉग्निशन कर दिया, तालियां बजवा दी, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दी, जॉब एनरिचमेंट कर दिया, जॉब की सिक्योरिटी दे दी, एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन कर दिया डिसीजन मेकिंग में, इससे उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है। तो इसी के ऊपर हमारे एक मैस्लो भाई, तो उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको हम बोलते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। इन्होंने बताया कि हर बंदे का मोटिवेशन पांच तरीके से चलता है। सबसे पहला होता है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, वो मिल जाए, उसके बाद वो देखता है सेफ्टी नीड, यानी कि बेसिक उसका हेल्थ चेकअप और ये सारी चीजें, इसमें इंश्योरेंस को काउंट करते हैं। तीसरा, ये सब होने के बाद आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, प्यार मोहब्बत, ये भी पूरी हो जाए, उसके बाद वो ढूंढता है एप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं एस्टीम नीड, जहां पर उसको चाहिए कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरी तालियां बजनी चाहिए। और ये सब होने के बाद फाइनल आ जाता है उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, अंतिम में वो सोचता है मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए ताकि बेहतर काम बने। ठीक है, मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन के बाद आता है भाई साहब लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि आपका मैनेजर है। एवरी मैनेजर इज अ लीडर, पर एवरी लीडर इज नॉट अ मैनेजर। ठीक है, तो लीडर का मतलब कौन होता है? वो व्यक्ति जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है किसी न किसी तरीके से, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो लीडरशिप के अगर मैं फीचर के बारे में बात करूं तो बहुत सिंपल है, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, बिहेवियर उसका ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को चेंज करे, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं लीडरशिप की स्टाइल के बारे में, तो लीडरशिप की स्टाइल तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि बॉस सेंटर्ड, बॉस ने कह दिया तो वही काम होगा। अब तुमने कह दिया भैया यही होना है तो मतलब यही होगा। ठीक है, इसमें जो बाकी के एम्प्लॉइज होता है ना, वो सिर्फ बॉस की सुनते हैं, जो बॉस बोलेगा वैसा ही हम करेंगे, तो उसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जो हमारे भारत देश में चलती है, जहां पर लीडर जो है वो मेजोरिटी की तरफ जाएगा, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी सबॉर्डिनेट हैं वो एक टीम मेंबर होते हैं और सब मेजर में जो मेजोरिटी डिसीजन लेती है उसके हिसाब से काम करते हैं। तीसरा होता है लेजिस्फेयर, जिसको हम फ्री रेन कहते हैं, जहां पर जो आपका बॉस है वो बॉस नहीं है, जो लीडर है वो लीडर नहीं है, वो सिर्फ कम्युनिकेटर है, वो सिर्फ बात करता है, मदद करता है लोगों की बात आगे तक पहुंचाने के लिए, सब आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं, सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब सबको पता है, डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा काम नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट, व्यू, फैक्ट, फीलिंग, ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी चीज सबॉर्डिनेट तक ना पहुंचे, जो ऑर्गेनाइजेशन बताना चाहती है वो सबॉर्डिनेट तक ना पहुंचे, तब तक काम नहीं होगा। सो अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका कम्युनिकेशन, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, मैनेजर एफिशिएंसी बूस्ट करता है, कोऑपरेशन बढ़ाता है, इंडस्ट्रियल पीस क्रिएट करता है और एक इफेक्टिव लीडरशिप का माहौल क्रिएट कर देता है आपका कोऑर्डिनेशन। अगर बात करें कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं भाई साहब, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब काम की बात करना, इनफॉर्मल मतलब काम के अलावा बाकी सभी चीजों के बारे में बात करना। अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इट कंप्राइज ऑफ टू टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, तो जो ऊपर से नीचे जाता है उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं वर्टिकल के अंदर, जो नीचे से ऊपर जाता है उसको अपवर्ड, मतलब सबॉर्डिनेट से सुपीरियर, अगर यहां से यहां जा रहा है तो अपवर्ड, ऊपर से नीचे आ रहा है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट आ रहा है तो डाउनवर्ड। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा इनफॉर्मल। तो अगर मैं इनफॉर्मल क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, इस मैनेजर से इस मैनेजर तक, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के पास जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब इसके नेटवर्क के बारे में बात करें तो चार पांच तरीके के नेटवर्क है फॉर्मल कम्युनिकेशन के, सिंगल चेन, वी, सर्कुलर, फ्लीफो और इन्वर्टेड वी, ये पांच तरीके के आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क होते हैं। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो इधर उधर से कैसे भी करके आप
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, यहां पर कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। तो इसके अंदर भी चार तरीके के नेटवर्क क्रिएट होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर नेट। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका डायरेक्टिंग चैप्टर पूरा का कवर हो जाएगा। ईयरफोन कान में लगा के रखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, डायरेक्टिंग के बाद अगले चैप्टर करेंगे। पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को दो तीन बार घुमा के देख लेना, शेयर करो सबके साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।